ओम शांति। आज की तारीख है 26/11/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा। पूरे कल्प के आत्मा के जीवन की जो अंतिम यात्रा और सबसे बड़ी यात्रा होती है वो यात्रा है मुक्ति और जीवन मुक्ति की, और उस यात्रा के लिए हमें उससे भी बढ़कर एक और यात्रा करनी पड़ती है और वो है परम प्रिय परमपिता परमात्मा को याद करने की याद की यात्रा। तो आइए सुनते हैं कि यात्रा के विषय में मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम रूहानी यात्रा पर हो, तुम्हें वापिस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना, सिर्फ बनना नहीं लेकिन बनाना भी है। प्रश्न, 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरकर दूसरों की भी भरेंगे। ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा ऊंचा बनाएंगे। नंबर 2 है, वो पक्के महावीर होंगे, उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकेगी। वह अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। प्रश्न दूसरा है, पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राय लो, साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1 है, बाप समान मनुष्य आत्माओं को जीव दान देना है, यानी जीवन दान देना है। बेहद के बाप से दान लेकर दूसरों को देना है। अब मेरे पास नहीं है तो मैं कहाँ से दान करूं? तो बाबा से लेकर के हमें दूसरों को देना है। महादानी जरूर बनना है। नंबर 2 है, स्वदर्शन चक्रधारी बन रावण का सिर काटना है। बेहद का वैरागी बन विकारों का संन्यास करना है। वरदान सतगुरु शिव बाबा का, संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि संगम युग की ही विशेषता है जो एक की पदम गुना प्राप्ति होती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल मिला। तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फ्रूट खाने वाले हैं वो शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं। कोई कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती। कमजोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं। अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियां साथ में रहेंगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगे। स्लोगन है, फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सब से गुण ग्रहण करो।
गुण देखो, गुण देखने के बाद उस गुण के ऊपर चलने की कोशिश करो, परंतु फॉलो करना है एक्यूरेट तो ब्रह्मा बाप को देखकर फॉलो करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।